सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। नरेंद्र मोदी गुरुवार को दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। साल 2014 में जब उन्हें पीएम पद की शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन का मौका मिला था तो उन्होंने दक्षिण एशिया क्षेत्र सहयोग संगठन यानी कि सार्क के देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को आमंत्रित किया था। इनमें पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ भी विशेष तौर पर बुलाए गए थे, लेकिन इस बार पाकिस्तानी पीएम इमरान खान को शपथ ग्रहण से दूर रखा गया है। इसको लेकर पूर्व पाक पीएम नवाज शरीफ की बेटी मरियम शरीफ ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। जेल में बंद पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम ने मंगलवार को इमरान खान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पाकिस्तानी समकक्ष को सम्मान नहीं देते। उन्होंने कहा कि फरवरी में भी मोदी ने इमरान का फोन नहीं उठाया था। पाकिस्तान के 1998 के परमाणु परीक्षणों के संबंध में यहाँ मॉडल टाउन में आयोजित एक कार्यक्रम में मरियम ने कहा कि इमरान ने शिकायत की थी कि भारतीय प्रधानमंत्री ने उनका फोन नहीं उठाया। उस समय दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर थे। शक्तिशाली सेना का जिक्र करते हुए मरियम ने कहा, मोदी और दुनिया के अन्य राष्ट्राध्यक्ष क्यों इमरान को सम्मान नहीं देते हैं? क्योंकि वे जानते हैं कि आप किसी की मदद से लोगों का वोट चुरा कर सत्ता में आए हैं, आप किसी के इशारे पर चलते हैं। मरियम ने कहा, इमरान खान आपका दर्जा किसी कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं है, दुनिया में आपका कोई सम्मान नहीं है। मरियम ने कहा कि इमरान शरीफ को मोदी का दोस्त कहा करते थे। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज़ की रिपोर्ट सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।